बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं व्हाट्स इन माई बैग। एंड ये वीडियो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है एंड दिखने में इतना मजा आता है। सो आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं ये वीडियो कर रही हूँ। और ये वीडियो लाइक प्लान्ड नहीं था, सडनली मैंने अपना बैग निकाला है और मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ। और सच्ची बताओ, मैंने अपना बैग कितने लाइक महीनों से साफ नहीं किया है। सो इसमें से क्या निकलने वाला है मुझे नहीं पता, मतलब कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। सो ये मेरा बैग है, मैं ज्यादातर इसी तरह के लाइक पीछे वाले बैकपैक लेना पसंद करती हूँ। थोड़ा सा इधर से फट रहा है, इसको चेंज करने का टाइम आ रहा है। सो चलिए देखते हैं, इसमें पीछे साइड कोई भी जिप नहीं है। सो इसमें ये बैग अंदर से पूरा भरा हुआ है, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या डाला हुआ है। सो इसमें दो जिप है एंड साइड में एक पॉकेट भी है जो कि खाली है अंदर ही। सो सबसे पहले हम लोग जिप से ही स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे लास्ट वाला जो जिप है उसमें देखती हूँ क्या है पॉकेट में। सो सबसे पहले मुझे मिला है ये मास्क, बहुत ही जरूरी है। मैंने एक एक्स्ट्रा मास्क रखा हुआ है, ये ब्लैक कलर का मास्क है। और उसके बाद ये थोड़ा सा मैं सामने आ गई शायद। ओके, सो नेक्स्ट है ये मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज ये मेरा पैन कार्ड है और ये ऐसे क्या कर रहा है यहाँ पे मुझे नहीं पता। सो गाइस, मैं ज्यादा वाइट तो नहीं लग रही ना, एक्चुअली लाइट का सेटिंग एकदम ठीक नहीं है, मैंने जस्ट जला दिया है लाइट। ओके, उसके बाद मेरे पास है ये क्यूट सा हैंकी, ये एकदम क्यूट सा मेरे पास हैंकी है। इसे मैंने आज तक यूज नहीं किया है, बस खरीद के डाल दिया है, इसके अंदर क्यूट लगा इसलिए। इसके बाद मुझे मिला है ये की रिंग, और इसमें की नहीं है, सिर्फ रिंग है। ये डोरेमोन वाला की रिंग है, इसमें ना ऐसे छोटे छोटे दो बॉटल्स में, एक में पिंक कलर का स्टार है और एक में पर्पल का स्टार है। और ये सिर्फ ये स्टार्स के लिए ही मैंने लिया था, एंड डोरेमोन भी इतना क्यूट लग रहा है एकदम। तो ये की रिंग है, इसमें की डालना बाकी है, मैं इसमें अपना घर का की डालने वाली हूँ। एंड यहाँ पे मिले मुझे कुछ टिश्यू पेपर। ओके, मुझे एक्चुअली पॉकेट टिश्यू खरीदने हैं, मैं हर बार सोचती हूँ पॉकेट टिश्यू खरीदूंगी लेकिन उसके बाद मैं खरीदती नहीं हूँ। और इतना टिश्यू, जब भी मैं घर से निकलती हूँ इतना टिश्यू लेके इसमें डाल देती हूँ, इसलिए आपको बहुत बार टिश्यू पेपर्स मिलेंगे यहाँ पे। मुझे मिला है सैनिटाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हिमालय का प्योर हैंड लेमन हैंड सैनिटाइजर, सो वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। उसके बाद ये एक यूजफुल सा चीज निकला है, ये है पैंटी लाइनर, और लड़कियों को ये जरूर रखना चाहिए, लाइक बहुत ही यूजफुल है ये। और नॉर्मली मेरे बैग में आपको लाइक पैड्स वगैरह भी मिलते हैं लेकिन अभी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इस बैग को यूज नहीं किया है। सो नेक्स्ट आपको मिल जाएंगे मेरे एयरबड्स। सो ये है रियलमी का एयरबड एंड ये मेरे बैग में ही रहता है और ये एक्चुअली अभी चार्ज नहीं है। ये एक्चुअली मैं लेके जाती हूँ बट बाहर ना यूज करने में बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अरे गिर ना जाए, इसलिए मैं हमेशा वो वाला ही यूज करती हूँ, लाइक वायर वाला जो हेडफोन आता है, मैं वहां से निकल ही नहीं पाती हूँ। सो पहला वाला जो चेन है वो खाली हो चुका है, तो हम लोग दूसरे वाला चेन में देखते हैं पहले क्या है, उसके बाद हम लोग ये बड़ा वाला कंपार्टमेंट में देखेंगे कि इसमें क्या है। सो दूसरे में मुझे मिले हैं बहुत सारे रबर बैंड्स, तो ये है हेयर बैंड्स, बहुत सारे हेयर बैंड्स ब्लैक कलर का, क्योंकि मैं ज्यादातर ब्लैक ही यूज करती हूँ, अभी भी आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक ही लगाया हुआ है। नेक्स्ट मुझे मिला है एक छोटू सा क्लचर, उसके बाद बेबी लिप्स, मेरा जो फेवरेट वाला है वो तो अब आना बंद हो गया है तो मैंने ये वाला लिया है, दिस इज आलिया NY लिमिटेड एडिशन। नेक्स्ट मेरे पास है लिपस्टिक। सो और मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही फेस व्हाइट हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा ना लाइट को डिम करके आती हूँ, एक सेकेंड फिर। ओके, अब ठीक है। सो कहा थे हम लोग लिपस्टिक, सो ये है लैक्मे 925 का लिपस्टिक रेड कलर, और ये मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ एंड आई लव दिस कलर, दिस इज लाइक वेरी पिगमेंटेड, मतलब एक बार लगा दो और पूरा दिन रह जाता है। सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ब्लैक कलर के क्लिप्स मिले हैं ऐसे वाले, ये और साथ में
पेपर मिला है, पेपर है, आई डोंट नो इस पेपर में क्या है। अच्छा इसमें इयर रिंग्स है, इसमें व्हाइट कलर के ये वाले इयर रिंग्स है। एक्चुअली मैं कहीं जाती हूँ तो हेलमेट पहनना पड़ता है, तो मैं इयर रिंग्स खोल के ऐसे रख देती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने इयर रिंग्स कहाँ रखा है। और ऐसे आपको बहुत ही रैंडम चीजें मेरे बैग में मिलते रहेंगी। जो तो इसके साथ सेकेंड चेन भी खत्म होता है, अभी बाकी है ये जो बड़ा वाला इससे ये मास्क। जैसे कि आपने देखा मेरे पास एक ब्लैक कलर का मास्क था, लेकिन ये मैं यूज एंड थ्रो रखती हूँ कि अगर लाइक किसी फ्रेंड को या किसी को भी जरूरत है मास्क का तो आप अपना ये यूज वाला नहीं दे सकते, लेकिन यूज एंड थ्रो तो आप दे सकते हो, इसीलिए मैं ये हमेशा रखती हूँ। और कभी अगर ये मास्क धोने के लिए निकाला है और मास्क नहीं है तो उस टाइम भी यूज एंड थ्रो बहुत ही लाइक हैंडी है, इसीलिए मैं यूज एंड थ्रो मास्क हमेशा रखती हूँ। अच्छा यहाँ पे एक बेबी वाइप्स है और ये पहले मैं यूज नहीं करती थी, मतलब मैं यूज करती थी बट घर पे, बट मैं पहले कभी भी इसे बैग में कैरी नहीं करती थी, कभी भी बैग में ये आपको नहीं मिलेगा। बट अब जब से ये वाला पैंडेमिक का सिचुएशन हुआ है मैं इसे यूज करती हूँ कि कहीं पे भी आपको लाइक ऐसा कुछ टच करना पड़ रहा है और आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप एक वाइप्स निकाल के भी उसको लाइक पोंछ के वो चीज को टच कर सकते हो, तो उसके लिए मैं बेबी वाइप्स रखती हूँ। तो नेक्स्ट मुझे मिले हैं ये हेडफोन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये वाले हेडफोन्स, वायर वाले हेडफोन्स का जरूरत पड़ते ही रहता है। नेक्स्ट मेरे पास है ये वॉलेट, ये न्यूड कलर का वॉलेट है, बहुत ही प्यारा लाइक पिंक न्यूड है। सो ये वॉलेट में आपको मेरे कार्ड, हैश, चिल्लर वगैरह सब इसमें मिल जाएगा। ये मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ, ये कोई भी ब्रांड का नहीं है, दिस इज नॉट ब्रांडेड, ये मैंने कोई मार्केट से खरीदा था। अभी बहुत कम चीजें ही बची हुई हैं, तो देखते हैं। अभी फिर से निकला है बहुत सारा टिश्यू पेपर, सो आप देख सकते हैं मैं कैसे टिश्यू पेपर यहाँ पे एक इतने सारे टिश्यू पेपर को मैं ऐसे मोड़ के जस्ट डाल देती हूँ। और टिश्यू पेपर, ये थर्ड टाइम है कि मैं टिश्यू पेपर का लाइक एक एक नहीं निकाल रही, मैं बंडल्स निकाल रही हूँ। तो टिश्यू पेपर ही टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर की कोई कमी नहीं रहती है मेरे पास। तो नेक्स्ट है मेरा गॉगल्स, और अब आपको ये देख के पता चल ही गया होगा कि दिस इज सस्ता एंड टिकाऊ गॉगल्स, कोई ब्रांड का नहीं है, कुछ नहीं है, ये मैंने नॉर्मल से लाइक लोकल मार्केट से लिया था। और ये सिर्फ, पहले आप बताओ कैसा लग रहा है, उसके बाद मैं इसका प्राइस बताऊंगी, पहले ना कमेंट करके बताओ गॉगल्स कैसे लग रही है, कैसे लग रहा गाइस। So, ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का गॉगल्स है, एंड मुझे गॉगल्स का उतना शौक नहीं है, सो मैं वो कॉस्टली वाला गॉगल्स खरीदना पसंद नहीं करती हूँ। मैं ऐसे 100, 150, 200 रुपए वाला गॉगल्स खरीदती हूँ और फिर खराब हो जाता है, फेंक देती हूँ, फिर नया लेती हूँ, लेकिन ये वाला मुझे बहुत पसंद है। ओके नेक्स्ट है ये है कोम, एंड इसका यूज मैं करती हूँ, ये हमेशा मेरे बैग में रहता है। उसके बाद मेरे पास है सनस्क्रीन, एक्चुअली मेरे पास दो सनस्क्रीन है सेम लैक्मे का, सो मैंने दोनों में से एक बैग में रख दिया है और एक बाहर है, सो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत है इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया है, ये 30 SPF का है। नेक्स्ट है क्लेचर, ये अभी डिफरेंट टाइप वाला क्लेचर। नेक्स्ट मेरे पास है पेन, वेरी यूजफुल, लेकिन आपने नोटिस किया होगा मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, मैं कोई कॉपी नहीं लेके घूमती हूँ, कोई पेपर नहीं है, डायरी नहीं है, लेकिन मैं पेन लेके जरूर घूमती हूँ क्योंकि कहीं भी पेन का जरूरत पड़ सकता है। बात है ये, दिस इज कोलगेट का वेद शक्ति माउथ फ्रेशनर, दिस इज माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। आ करो जम्स को ना करो, बाकी बैग में कुछ और नहीं है, बस ये बाकी है। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो दीज आर सैनिटाइजर पाउच, जब हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो ये मिलता है, लास्ट टाइम मैं घर गई थी तो ये लाइक 50 पैसे वाले सैनिटाइजर पाउच मिलते हैं, सो ये मेरे बैग में ही था और 5 या 6 पैकेट मिला था, तो उसमें से 4 अभी भी बाकी है, बिकॉज सैनिटाइजर बॉटल रहता है तो मैं वही यूज कर लेती हूँ, तो ये वाला बैग में रखा ही है। सो इसी के साथ गाइज मेरा बैग पूरा खाली हो चुका है, एंड तो आपने देखा ये था व्हाट्स इन माय बैग, एंड अगर आपको इसमें से कोई चीज यूजफुल लगता है कि आपको भी अपने बैग में ऐड करना चाहिए तो जरूर ऐड करें, और अगर आपको लगता है कि मेरे बैग में कोई चीज की कमी थी जो मुझे ऐड करना चाहिए जरूर कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबका फोन लेके सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड गाइस देखो मैं रात को 12:30 बजे बैठ के, अभी 1 बज गया होगा शायद, तो 12:30 बजे बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, और अभी इसे मैं एडिट करूंगी, थंबनेल बनाऊंगी, उसके बाद पोस्ट करूंगी, और कल सुबह आपको
ग्यारह बजे, ठीक 11 बजे ये वीडियो मिल जाएगा। सो आप देखो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी छोटू सा मेहनत कर दो कि वो जो रेड कलर का बटन है उसे बस आप क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट यानी कि वेनेसडे एक न्यू वीडियो के साथ, जहां हम और आप यानी कि मैं और आप सब मिलके लाइफ में लगाएंगे थोड़ा सा हैप्पीनेस का तड़का। बाय बाय।